नमस्ते। हम सब जानते हैं कि इंसान को अपनी भावनाओं की नीड पूरी करने के लिए, इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए अलग अलग रिलेशन के सर्कल पूरे करने होते हैं, और कहीं ना कहीं उन भावनाओं को पूर्ण करने के लिए वो किसी न किसी रिलेशन पर डिपेंड होता है, और ये रिलेशनशिप डिपेंडेंसी बहुत आजकल बढ़ने लगी है। आखिर ये रिलेशनशिप डिपेंडेंसी क्यों बढ़ती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम ये जानते हैं, लेकिन उसको हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं जब भगवान के प्यार में खो जाते हैं तब। यही बात भगवद गीता के 12वें अध्याय में की है और इसी की चर्चा हम कर रहे थे। आज भी इसी खूबसूरत बात के साथ शुरुआत करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। हमने पीछे बात की थी कि रिलेशनशिप पर डिपेंडेंसी या एक एडिक्शन बढ़ता जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि इमोशनल नीड को पूरा करना है, और 12वें अध्याय में कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें बताया कि भगवान के प्यार में जब खो जाते हैं तो ये नीड कैसे पूरी हो जाती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से हमको विस्तार से बताएंगे भगवद गीता को लेकर। भगवद गीता, जैसे हमने बार बार देखा, सर्वशास्त्र शिरोमणि है। केवल एक पुस्तक अगर आप पढ़ते हो तो सभी शास्त्रों का सार उसमें आता है, और भगवद गीता ये यात्रा है मनुष्यत्व से देवत्व की ओर की यात्रा है। कि जब आप पीक संपूर्ण अवस्था तक पहुंचते हो, जो 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है नष्ट मोहस्मृतिर लब्धा, और उस जर्नी में कई सारे पड़ाव आते हैं। हम 12वें अध्याय में हैं, जिसमें आपने ठीक कहा 13 से 20 ये जो श्लोक है, 8 श्लोक जी। बहुत ही सुंदर लिखने वाले ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है कि कोई व्यक्ति परमात्म प्यार में खोया हुआ रहता है जी। समाया हुआ रहता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और ऑटोमेटिकली ये जो डिपेंडेंसी की बात है ये अपने आप निकल जाती है। हमने देखा है इस समय, अभी मैं एडिक्शन में सेवा देने के निमित्त बना हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। हमने सोचा नहीं था कि रिलेशनशिप भी एडिक्शन का रूप लेते जा रहा है। मना बहुत ज्यादा। हाँ, आप भी काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट, आपके पास भी ये केसेस आते होंगे। तो हम देख रहे हैं कि आजकल एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स। माना मुझे संपूर्ण अनुभव करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है जी। देखो, एक होता है मदद लेना और एक होता है डिपेंडेंट होना। मदद लेना गलत नहीं है, क्योंकि आप दुनिया में है तो सबकी मदद आपको पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना, और जब वो नहीं है व्यक्ति तो खाली खाली अनुभव करना, ये एक बॉन्डेज या बंधन का काम करता है, और कहीं ना कहीं ये पैरालाइज भी इंसान को कर देता है, क्योंकि वो दुखी बनाता है जैसे ही वो आपसे दूर जाता है तब। यस, यहाँ पर ये भक्त जो है परमात्मा के साथ ये सब रिलेशंस अनुभव किए हैं। हमने पहले भी शायद देखा है कि कैसे देहदारी जो होते हैं और परमात्मा, इनों में फर्क क्या है कि देहदारी होते हैं वो परमात्मा नहीं है। देहदारी की अपनी लिमिटेशन है, भले अच्छे व्यक्ति है इस दुनिया में, लेकिन देहधारी की लिमिटेशन यह है कि वो आपको संपूर्णता का अनुभव नहीं करा सकते हैं हमेशा के लिए। थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि संपूर्णता का एक्सपीरियंस पता नहीं है और लोग करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि शायद बहुत समय से उसको जाना नहीं है। सो पीपल आर वेरी हैप्पी इवन थोड़ा भी मिल जाता है तो, और वो छोड़ना नहीं चाहते, भले उनको पता है ये बॉन्डेज है, बट उनको वो बॉन्डेज अच्छा लगने लगा है, उसमें सिक्योरिटी, सुरक्षितता फील करते हैं। और जैसे ही वो बॉन्डेज चला जाता है ना, तो रेसलेस लगते हैं, रेसलेस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कई लोगों का ये भी है ना कि इतने टाइम के लिए मिला है हमको, वो भी ठीक है, आज का हमको जानना है, आगे का क्या करना है, ठीक है, दैट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, है ना। जैसे वो कहानी सुनाते है कि एक व्यक्ति राजस्थान के मरुस्थल में रात भर ठंडी इतनी थी, तो उसको चलने के लिए कोई लकड़ी का सहारा चाहिए था, तो रात के ठंडी में उसने एक लकड़ी को पकड़ के रखा, और उसको परमात्मा को धन्यवाद दिया कि इतनी अच्छी लकड़ी मुझे दी है आपने। अच्छा। तो वो तो अंधा था व्यक्ति, तो उसके साथ में जो था कि तुम गलत चीज को पकड़े हो, वो लकड़ी नहीं है, वो सांप है ठंडी से जो कड़क बन चुका है।
तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम मेरी ईर्ष्या करते हो कि परमात्मा ने मुझे इतनी अच्छी चीज दी हुई है, तुम वो छीनना चाहते, इसलिए तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं। तो उसको बहुत बहुत सुंदर कहानी समझाता है, है। बहुत सुंदर तो कहानी जब है। सुबह होती है और सूर्य का प्रकाश आता है, तो जैसे उसकी जो ठंड से वो पूरा अपने ओरिजिनल स्टेज में आके फिर उसको काटता है। तो मनुष्य की हालत ऐसी ही है, जी अभी जिसको उसने अपना सहारा बना लिया और उसको लगता है कि अच्छा है, लेकिन एक बात है जो भगवत गीता ने हमको एक शब्द दिया है जो हमने पहले भी देखा, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया जो है दुखालय है, जी यहाँ पर आपको शाश्वत सुख नहीं मिल सकता, पर जब वो बात आती है तब तक काफी देर हो चुके रहते हैं और हाँ उस वक्त दुख मिलता है। तो भगवत गीता हमको ये नहीं बता रही है छोड़ने का, हमको ये बता रही है कि देर इज समथिंग बेटर यू कैन होल्ड ऑन टू। आपको अगर पकड़ना ही है तो अच्छी चीज को पकड़ो। और वही मतलब उससे भी अच्छी ज्यादा पूर्णता कर सकते हैं वो यस चीज जिसके और लिए आपने पकड़ के रखा है, उससे यस ज्यादा आपको पूर्ण मिल ज्यादा सकता कर है। सकता है और लंबे समय तक, ठीक है ना। तो ये रियलाइजेशन है जी ना। तो ये रियलाइजेशन हमको भी नहीं थी पहले। तो जी जब हमको ये रियलाइजेशन होते है तो छोड़ना नहीं पड़ता है वो सांप को, वो अपने आप छूट जाता है। यहाँ अच्छा पे ये उदाहरण मुझे इसलिए अच्छा लगा कि विकारों को सांप कहते हैं, ठीक है जी ना। तो सांप भले बाहर से बहुत बहुत सुंदर है, अच्छा बहुत सुंदर अच्छा है, है, नरम है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव है, लेकिन वो सांप सांप है, ठीक है ना। तो आगे भी 18वें अध्याय में हम देखेंगे कि कैसी ये विकार शुरुआत में हमको सुख का भासना देते हैं, लेकिन अंत उसका बहुत खराब होता है। और भले ये शुरुआत में सतोगुण है, सात्विक कर्म है, या जो भी हम गुण धारण करते, शुरुआत में टफ लगते हैं, जी लेकिन जैसे आप सस्टेन करते हैं उसको, थोड़े समय तक दृढ़ता से कंटिन्यू करते हैं, तो लंबे समय तक आपको सुख देते हैं। जी तो मैं ये कहूंगा कि यस, आप वर्तमान समय अगर सिक्योरिटी में है तो होल्ड डाउन करो, ठीक है ना। लेकिन साथ ब साथ मैं ये नहीं कह रहा आप छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि आप देखो इज देर अ बेटर वे। और अच्छा, सबसे अच्छा रास्ता है कि जो जिनके अनुभव है, जो भक्तों का जो यहाँ पे बताया हुआ है कि उन्होंने, वो भी इस स्टेज से जा चुके हैं और उन्होंने ये अनुभव किया कि संपूर्ण अवस्था जो है हमारी वो परमात्मा से आ सकती है, क्योंकि परमात्मा हमेशा कंप्लीट है। कोई भी देहधारी हमेशा कंप्लीट नहीं हो सकता, ये बात तो 110% सच है। कि जो व्यक्ति आज आपके साथ अच्छा रहेगा वो उसी अवस्था में रहे इसकी गारंटी नहीं है जी ना। और वो कंटिन्यूस देगा इसका भी गारंटी नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए ये सब है ना। तो पर परमात्मा कैसे है, बताते हैं कि किसी ने मेरे को आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज, व्हाट्सएप का जमाना है, जी मैसेज भेजा कि देहदारी का प्यार और परमात्मा का प्यार इसमें क्या फर्क है। तो देहदारी का प्यार भी प्यार ही होता है, लेकिन देहदारी का प्यार हमको पिंजड़े का पंछी बनाता है अच्छा, और परमात्मा का प्यार हमको उड़ता पंछी बनाता है। तो बहुत प्यार सुंदर, है, बहुत सुंदर। पर ये आदत हो जाती है ना हमको। तो वो जैसे बताते हैं कि एक व्यक्ति को जेल में रखा, बहुत साल तक वो जेल में रखा, डंजन को, उस सेल बोलते हैं उसको, उसमें तो उसने सूर्य देखा ही नहीं था। तो जब उसकी सजा पूर्ण हो गई और वो बाहर आया तो उसको बोला जाओ अभी पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ओपन है। तो बाहर आते ही पहला सूर्य का प्रकाश उसने बहुत दिनों के बाद देखा, तो उसको सहन नहीं हुआ है, क्योंकि इतने दिनों तक नहीं देखा जेल था, में ही था। जेल में ही था जहां सूर्य का प्रकाश नहीं था उसके कमरे में। तो बाहर आते ही जैसे वो सूर्य का प्रकाश उसने देखा तो उसने कंप्लेन किया कि मेरे को ये दुनिया नहीं चाहिए, मेरे को वो कोठड़ी ही अच्छी लगती है, मुझे वापिस वहां भेजो। हाँ वही एक्चुअली आजकल के मनुष्यों की वही हालत हो गई है कि भले टेम्पररी सुख है लेकिन वो समझते हैं कि आगे की लाइफ हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है, हम नहीं रहेंगे, तो जो मिल रहा है बस उसको आप ग्रैब करो या उसी में आप टिको या उसी को एंजॉय करो। इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई गई है। जैसे कोई सपना देखता है ना, सपना, सपने में बहुत खुश होता है वो कि ये कर हाँ रहा है वो कर रहा है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, लेकिन जैसा ही वो सपने से बाहर आता है तो पता चलता है कि अरे ये तो सपना था, है ना, मैं अभी जग गया हूँ। एग्जैक्टली ये अनुभव स्पिरिचुअलिटी में होता है। पहले तो सपने को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब सपने से बाहर आते तब पता चलता है अरे मैं तो सोया हुआ था। तो मैं कहूंगा कि यस, ऐसे लोगों के लिए कि आप एक बार शुरुआत करो, ठीक है ना, मेडिटेशन का शुरुआत करो और सुनना चालू करो।
आपको अपने आप आपकी बुद्धि जजमेंट देगी कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि हम सबको जन्म से ये बुद्धि मिली हुई है, ठीक है ना। सिर्फ कुछ कारणवश हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है, कोटिंग या मैल जो भी आप कहते हैं, वो चढ़ा हुआ है, जिसके वजह से वो जजमेंट नहीं दे रही है राइट, और वो रियलाइजेशन भी कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन करने लगते हैं, इवन ज्ञान की पॉइंट्स भी सुनते हैं, तो मैंने देखा कि ये परिवर्तन आने लगता है और जो डिपेंडेंसी है वो निकल जाती है। क्या हम यहाँ ये बात बता सकते हैं कि कई लोग बहुत बार सोचते हैं चालू करने का, उनको पता भी है, बट दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट इट फ्रॉम एनीवेयर, तो वो होता ही नहीं है कि स्टार्ट करना है। तो क्या आपके पहले पूर्व जन्म के कर्म या कुछ आपका ऐसा है जिसको हम कहेंगे कि वो आपको बीच में इंटरफेयर कर रहा है? स्पिरिचुअलिटी ने पर्सनालिटी के अनुसार, आध्यात्मिकता ने व्यक्तित्व के अनुसार मनुष्य के सवालों का जवाब देने की कोशिश की हुई है, अच्छा ठीक है ना। पूर्व जन्म के कर्म जो है ना, उसको वर्तमान जीवन के साथ जोड़ना कठिन है, ठीक है ना, एक रियलिस्टिकली लॉजिकली तर्क से देखा जाए तो। लेकिन इतना जरूर है कि वर्तमान जीवन में आप अपने कर्मों को भी देख सकते हैं कि आपको कोई चीज से क्यों रोका जा रहा है। तो हाँ। यहाँ पर अपने संकल्पों को ही चेक करना है कि क्यों मुझे वहां पर जाने का दिल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, व्हाई, व्हाट इज स्टॉपिंग मी। तो अपने आप से बातें करो। हम तो कहते हैं कि पूर्व जन्म को कहना मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज को पूर्व जन्म के ऊपर थोपना भी ठीक नहीं, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि उसका कनेक्शन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो हो या नहीं हो, उससे परे जाके हम सिर्फ वर्तमान समय चेक करें कि क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता है ना, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर दो अप्रोच है। साइकोलॉजी कहती है कि वो आगे चल के उसको तकलीफ होने वाली है, अभी से उसको समझाओ जी। ये साइकोलॉजी का अप्रोच है कि आगे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अभी से आप तैयारी करो मनोविज्ञान के तरीके से कि आप उसको उठाओ, नहीं तो ये आगे तकलीफ होने वाला है। आध्यात्मिकता कहती है कि उसको कुछ मत करो, उसको जाने दो, उसको ठोकर खाने दो, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं खाएगा तब तक वो ठाकुर बनने के लिए आएगा नहीं। अच्छा, दो अप्रोच ये हाँ, कहते हैं। ये अप्रोच है। अभी आध्यात्मिकता यूजुअली इंटरफियर नहीं कहती है किसी के लाइफ में स्ट्रेट अवे, क्योंकि आध्यात्मिकता का प्रिंसिपल ये है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, डोंट इंटरफियर इन द ड्रामा। लेकिन साइकोलॉजी जो प्रो एक्टिव है वो कहते कि हो सकता है कि इसको समझाए, अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो इस तरीके से समझाए, ठीक है ना। तो ये दो अप्रोच हमेशा रहेंगे। हमको क्या करना है, हमने देखा, हमको जो परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि शुभ भावना आप रखो, कि वर्तमान समय वो सुन नहीं रही आत्मा, तो उसको शुभ भावना रखो। अभी मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि मैं एडिक्शन में सेवा के निमित्त हूँ, तो बहुत सारे शराब पीने वाले आते हैं। खास करके शराब पीने वालों को तकलीफ किसको होती है, उनकी पत्नी होती है या माँ होती है, बहन होती है, उनको तकलीफ होती है। तो ऐसे ही एक का पत्नी आई कि उनके पति बहुत शराब पी रहे हैं, तो मेजोरिटी लोगों में यही होता है कि शराब पीने वाला छोड़ना नहीं चाहता है जी। लेकिन जो उनके घर वाले चाहते कि इसका छूट जाए, और वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो ये पुलिस का आदमी है, छोड़ना नहीं चाहता है। अब पत्नी कहे क्या करो, उनकी तो इच्छा नहीं है, हम कैसे करें। तो मैंने उनको समझाया बहुत प्यार से कि देखो ऐसा है कि व्यक्ति तभी परिवर्तन होता है जब उसके अंदर से आना चाहिए कि मुझे बदलना है ना। बाहर से जोर जबरदस्ती करके वो परिवर्तन हुआ भी तो लंबे समय तक नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे कई लोग रक्षाबंधन के दिन या त्योहार के दिन कसम खाते हैं कि हम नहीं करेंगे करके, लेकिन बाद में वो चालू हो जाता है। तो उनको मैंने कहा कि आप शुभ भावना रखो उस आत्मा के प्रति, उस व्यक्ति को परमात्मा के आगे इमर्ज करके उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम परमात्मा की संतान हो, है ना, ये तुम्हारा गुण नहीं है। परमात्मा की संतान कितना सुख स्वरूप, शांत स्वरूप होनी चाहिए, पवित्र स्वरूप होनी, तुम वही हो, तुम अपने आप को भूले हो, तो आओ परमात्मा को पहचानो। और ये पॉजिटिव थॉट्स मैंने उनको भेजने को कहे, और कुछ निगेटिव उनको प्रोग्रामिंग नहीं देने का, कुछ भी बोलने का नहीं, सिर्फ अपना व्यवहार अच्छा रखने का। तो उसने सिंसियरली इसको फॉलो किया 1 महीना, और 1 महीने के बाद देखा कि वो व्यक्ति खुद चलकर सेंटर पर आया। तो मैंने उसको पूछा कि कैसे आना, बोले मैं ऐसे ही देखने आया, क्या चल रहा है।
वंडर मैन। और फिर उनको हमने ज्ञान सुनाया, हमने भी नशा छोड़ने को नहीं कहा, कभी भी किसी नशा छोड़ने वाले को सीधा नहीं कहना चाहिए। कि नशा छोड़िए। हाँ, तो उसको केवल आप पॉजिटिव एनर्जी दे दो, जैसे आत्मा के अंदर शक्ति आती है ना, नशा छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाते हैं सभी बुरी आदतों का, यही है, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। जी तो उसको पॉजिटिव एनर्जी इतनी मिली, एक तो वो माता योग करती थी, फिर हम भी उनके लिए विशेष वाइब्रेशन देते थे, और उस व्यक्ति ने आज पूरी तरह से नशा छोड़ा है, और वो बाबा के रोज महावाक्य सुनता है, ध्यान सुनता बहुत है। सुंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको परमात्मा शिव बाबा ने ये बताया है कि आप किसी के पीछे पढ़ना है तो शुभ भावना से पढ़ो, जबरदस्ती से किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते, जी ठीक है ना। तो ये दो अप्रोच है जो सदा रहेंगे। जैसे इस केस में आपने बताया कि उनकी वाइफ, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा इनपुट डाला, बहुत अच्छा हार्डवर्क किया अपने हस्बैंड के लिए, जस्ट बिकॉज कि वो परमात्मा को बहुत चाहती थी। यस, तो अगेन अगर हम वापस आएंगे हमारे 12वें अध्याय पर, तो जहाँ पर ये लक्षण बताए हुए हैं कि एक जो भक्त है, जब वो परमात्मा के प्यार में लीन हो जाता है, तब वो क्या क्या कर सकता है, मतलब वो रिलेशनशिप को भी सुंदर कर रहा यस, है ना। तो क्या लक्षण बताए हुए हैं। बहुत सारे लक्षण हैं, और हर एक लक्षण के हम गहराई में जाए तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन इसके ऊपर चिंतन करते रहना चाहिए। अच्छा जो श्लोक चालू होता है, 13वां श्लोक है, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, माना पहली बात, जो परमात्मा प्यार में खोया हुआ रहता है, भगवत गीता हमको बार बार कहती है, पिछले भी अध्याय में लास्ट श्लोक जो था, निर्वैर जी निर्वैर शब्द आया था कि अद्विष्टा सर्वभूतानां, किसी भी व्यक्ति से वो द्वेष नहीं करेगा, अच्छा हाँ, द्वेष या तिरस्कार नहीं करेगा। हमको भी शिव बाबा ने जो बात बताई, मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि अगर एक व्यक्ति से भी आप नाराज है, डिस्टर्ब है, तो आपका योग नहीं लग सकता, अच्छा योग नहीं लग सकता, माना आप परमात्मा से शक्ति खींच नहीं कर सकते। अगर एक भी व्यक्ति से आप एक डिस्टर्ब व्यक्ति है से आप नाराज तो, है ओहो, तो, बहुत बड़ी क्योंकि बात है। इस हाँ, संसार में एटलीस्ट इंसान के साथ एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ आपकी नहीं बनती है। नहीं मैंने संपूर्ण आप शक्ति नहीं खींच सकते, क्योंकि वो व्यक्ति के वाइब्रेशन आपको खींचते रहेंगे। देखो दो ही बातें पर ये हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शक्ति लेने से अपने आप ही उनके साथ जो लेकिन डिस्टरबेंस है शक्ति वो कम लेने हो, के लिए आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना वहां पर, थोड़ा भी तो जुड़ेंगे, थोड़ा भी थोड़ा शक्ति। जुड़ेंगे, वही होता है, वो ट्रांजिशन होता है, पूर्ण तरह से नहीं है। यहाँ से जो वर्णन है कि वो पूर्ण तरह से परमात्मा प्यार में खोए हुए हैं, उनको कोई भी दुश्मन दिखाई नहीं देता है, जो निर्वेरा शब्द आया है, जी या यहाँ अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आया है, कि किसी से वो द्वेष नहीं करेंगे, किसी जी का तिरस्कार नहीं करेंगे। और ये केवल ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कई लोग समझ के आधार पर ये करते हैं कि नहीं, अगर इससे मैं द्वेष करूंगा तो इससे मैं फायदा नहीं उठा पाऊंगा, ये थोड़ा ना समझ के आधार पर हो गया, पर वो नेचुरल नहीं है अवस्था, अच्छा, नेचुरल अवस्था चाहिए। पर नेचुरल के लिए भी तो वही बात है, हमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। यस किसी के पास ऐसा नहीं है कि सब कुछ है ही स्टॉक में और यस तुरंत वो जुड़ जाए भगवान से, यस ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई अंडरस्टैंड दिस, इसका अभ्यास करना है, हाँ अभ्यास के ऊपर ही सभी हाँ है ना। जितना हम अभ्यास करते जाते हैं, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर समाते जाती है, जब वो संपूर्ण प्यार हमारे अंदर समाने लगता है ना, संपूर्ण समाने के बाद ये अवस्था आती है, बाकी तो परसेंटेज में रहेंगे ही, है ना। तो वो धीरे धीरे ये अवस्था आती है, जी और ये जो है, इसके बारे में परमात्मा कहता है कि ऐसे बच्चे मुझे प्रिय है। एक होते हैं कि हम भगवान से प्यार करें और हम कहें कि भगवान हमको अच्छा लगता है, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि भगवान को कौन कौन अच्छे अच्छे लगते हैं? लगते हैं। तो ये थोड़ी हायर स्टेज है जी जिनको भगवान याद करता है, एक होते जो भगवान को याद करते, तो ये है, आई नो इट इज टफ, पर यही तो बात है ना पुरुषार्थ से, और इन्हीं लोगों का गायन होता है, जी अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। आगे की लाइन में आता है, मैत्र करुणा एवच, माना सभी इनके मित्र होते हैं। मित्र शब्द बहुत अच्छा लगता है हाँ, मुझे, दुश्मन कोई नहीं है तो ऑब्वियस से मित्र ही होंगे हाँ, सारे। जरूरी नहीं है, नहीं मतलब वेल विशर्स, हाँ, मित्र वेल या विशर्स ने आपके दुश्मन नहीं है, पर वेल विशर भी नहीं है, ये भी हो सकता है, हाँ, अच्छा कि आप निरुपद रवि है, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा वेल विशर होना मेजॉरिटी, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, जी आपको उस स्टेज तक पहुंचना है। तो मैत्र करुणा एवच है, तो मैत्री जो शब्द है ना, मित्र, ये बहुत अच्छा शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मी मित्र में दो शब्द है, मी और त्र, मी यानी मैपन,
तो आपका मैपन जो त्र माना फेंकता है वो सच्चा मित्र होता है। ओहो मित्र का ये अर्थ है, तो सच्चा मित्र अगर देखा जाए है ना, आध्यात्मिकता के हिसाब से हम कहते हैं एक शब्द है खुदा दोस्त, आपने सुना जी होगा। जी तो वो खुदा दोस्त है जो हमारे अंदर का मैपन को निकाल देता है, ठीक है ना। और करुणा, इन लोगों में नेचुरली करुणा रहेगी, जी तो मैत्र करुणा एवच। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी का द्वेष नहीं करेगा, मित्रता होगी और करुण भाव होगा। देखो दो ही भाव हो सकते, या तो आपके अंदर करुणता होगी या गुस्सा होगा, है ना। और करुणता होगी तभी आप गुस्सा नहीं करेंगे। करुणता है पॉजिटिव क्वालिटी है। जी आगे लाइन में वो बताता है कि निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमे, माना ये करुणा के साथ जो आता है क्षमा भाव, हमने पहले भी देखा दया क्षमा शांति, तो जी जहां करुणता है वहां क्षमा भाव आता है तभी और शांति शांति आ आती जाती है। है। तो ये सीक्वेंस है। तो निर्ममो निरहंकारा माना ममत्व भाव नहीं होगा। निर्ममो शब्द बहुत बार भगवद गीता में आया, दूसरे अध्याय में भी आया है। निर्ममो निरहंकार माना अहंकार नहीं होगा उसके अंदर और ममत्व भाव नहीं होगा। ये बहुत बड़ा है, सभी जितने भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ ये ममत्व भाव है। ममत्व भाव माना मेरापन, मामा मैं करने वाला हूँ, मेरा काम है ये, मैंने इसको किया। ये जो है ये भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे हम परमात्मा के प्यार में खोने लगते हैं, जब सब कुछ उसको सौंप देते हैं, तो ये नेचुरली सबका अनुभव होता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, वो मेरे द्वारा करवा रहा है। ये स्पष्ट अनुभव होना चाहिए, ना कि किताबों की बात। जी ये स्पष्ट अनुभव उस आत्मा को होता है जो उसके प्यार में खोया हुआ रहता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी वो उठा लेता है। ये हम सबका अनुभव है, लेकिन इस स्टेज को मेंटेन करना चाहिए। देखो बीच बीच में बहुत सारे योगी आत्मा इसको अनुभव करते, लेकिन इस अवस्था को निरंतर लंबे समय तक मेंटेन करना जी चाहिए। तो ये जो 13वां श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममोह निरहंकारा सम दुख सुख क्षमे, तो ये अवस्था परमात्मा प्यार में जो खोए हुए रहते हैं उनकी नेचुरली आती है। अच्छा, मतलब प्यार में खोते हैं अगर भगवान के, तो ये सारे गुण आना शुरू हो जाते हैं। या तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि आप धीरे धीरे अपने मन को परमात्मा में अगर लगाते हैं तो इन गुणों को आना आपके जीवन में आसान है। पर कई बार हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता और हमें ये गुण चाहिए, तब क्या कर सकते हैं? ये होती है, ये अवस्था भी आती है कि मन स्थिर नहीं होता है, जी तब आपको किसी न किसी स्थूल काम में अपने आप अपने को को बिजी करना चाहिए। देखो कैसा है कि मन और बुद्धि को स्थिर करना इतना इजी नहीं, हर एक के बस की बात नहीं है, और वो इमिजिएटली नहीं आता है। जब जी आपको लगता है कि वो खोई हुई अवस्था नहीं आ रही है, तो स्थूल काम करते रहना चाहिए। और स्थूल काम करते वक्त भी भगवद गीता ने जो हमको गाइडलाइंस दिए कि उसको अर्पित करके आप करो, हाँ ये आपका काम है। चलो आप, जैसे हमारी माताएं हैं, बाबा ने बताया हाँ भोजन बनाते, चलो बाबा हम भोजन बनाते हैं, चलो अभी सब्जी काटते हैं, चलो जी अभी ये करते, तो हर बात में उसको ऑफर करके उसको साथ में लेके करते चलो। और फिर दिल से आपको रियलाइज होगा, आपका शुक्रिया का भाव आता है अंदर से, थैंक यू फीलिंग आती है कि शुक्रिया आपने मुझे चुना, शुक्रिया आप इतना प्यार मेरे को सहयोग दे रहे, दिल से शुक्रिया आता है। मनुष्य जीवन के बारे में हाँ ये कृतज्ञता का भाव जैसे आने लगता है, तो हमने देखा नेचुरली वो प्यार बढ़ने लगता है। जैसे हम 9वें अध्याय में भी देखा कि अर्पण करना, हम जो भी हाँ कर्म करते हैं वो उनको समर्पण अगर करते हैं यस, तो भी वो अपने आप आपके अंदर वो बढ़ना धीरे शुरू हो जाता धीरे है प्यार। आप नेचुरली इस अवस्था में आएंगे कि आप उसके प्यार में खोए हुए रहेंगे, क्योंकि आपको इतना सुख अनुभव होगा कि उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सुंदर, और बहुत आपके साथ जो आपके संबंध संपर्क में आएंगे वो भी आपके जैसे मस्ताने बनने लगेंगे। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत प्रैक्टिकली है और आज के इस टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा नीड है जब डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में इतनी बढ़ रही है। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम शांति। शांति। हमने ये जानने की, समझने की कोशिश की कि आज के समय में जब रिलेशनशिप की इतनी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जहाँ पर हमें अपने आप को इमोशनली भरने की ज़रूरत है, जो भावनाओं की कमी हमारे अंदर है उसको पूर्ण करने की ज़रूरत है, और वो पूर्णता हो सकती है जब हम भगवान के प्यार में डूब जाते हैं। जब भगवान के प्यार में चले जाते हैं तब अपने आप ही इतने सुंदर गुण हमारे अंदर आना शुरू होते, और वही गुणों की पूर्तता हमारे आसपास के सर्कल में यानी हम दूसरों को भी बांट सकते हैं।
आप जरूर सोचिए। अगर आपकी कोई बात है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन से संपर्क कर सकते हैं। हम फिर से एक नए रहस्य के साथ अगली कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।